हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि हॉस्पिटल बैग मैंने कैसे बनाया, हॉस्पिटल बैग में मैंने क्या क्या रखा और क्या क्या तैयारियाँ मैंने अपनी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल के लिए की। उन्हीं तैयारियों को साथ साथ लेके चलते हुए एक तैयारी और है जो अब हमें करनी है। वो है कि मेरे जो भी लड्डू गोपाल हैं घर में या जो भी भगवान जी हैं जिनका मैं श्रृंगार करती हूँ, वो सारे भगवान जी का श्रृंगार भी करना है, क्योंकि डिलीवरी के बाद कुछ समय तक मैं पूजा पाठ नहीं कर पाऊँगी, मैं भगवान जी के कपड़े नहीं बदल पाऊँगी, श्रृंगार नहीं कर पाऊँगी। ये था कि जैसे जैसे टाइम अब नज़दीक आ रहा है तो इनका भी साज श्रृंगार करना है, प्लस ये है कि बेबी की छठी होगी, सब कुछ होगा। उस समय के लिए सब भगवान नए कपड़ों में तैयार रहेंगे और साथ ही मंदिर को भी मैं थोड़ा अलग तरीके से आज सजाऊंगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे श्रृंगार के वीडियोस मैं अपलोड करूंगी, उसी के साथ साथ मैं जो मंदिर में मैं गर्मियों को लेकर के जो भी चेंजेस कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मोस्टली इस बार मैंने सोचा है कि मेरे पास फूलों की लड़ियाँ हैं तो मैं उससे शायद थोड़ा सा कुछ फूल बंगला वगैरह सजाऊंगी इस बार, ताकि ये है कि तो थोड़ा सा एक लुक भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू समर्स, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेरे मार्बल के विग्रह हैं वो बड़े बड़े हैं, तो उनके लिए उतना बड़ा फूल बंगला मिलना थोड़ा सा मुश्किल था। मैंने सोचा कि फूल बंगला लाऊं, उससे अच्छा मैं थोड़ी मेहनत करके खुद उनको उनके लिए कुछ अलग सा और अच्छा सा सजा लूं। वो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट होगा। इस बार मैं वो भी देख रही हूँ कि थोड़ी सी कुछ अलग सी साज सजावट की जाए, थोड़ा सा एक समर लुक दिया जाए मंदिर को, फूलों वूलों को लगा के सब कुछ करके, ताकि वो अलग सा लगे, अच्छा लगे थोड़ा सा। दोनों चीज़ों की वीडियो मैं अपलोड करूँगी, श्रृंगार के भी, सारे भगवानों के श्रृंगार इसमें मैं दिखाऊँगी, एक एक करके सारे भगवानों के श्रृंगार का, जिस तरीके से मैं श्रृंगार करती हूँ, हमेशा मेरे श्रृंगार की वीडियोज़ आती हैं उसी तरीके से, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं भी देख रही हूँ लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम श्रृंगार दिखाइए, दीदी श्रृंगार दिखाइए, लेकिन कुछ हद तक तो मेरी तबीयत ही मेरा साथ नहीं देती है, कुछ हद तक कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मेरे को थोड़ा सा, मैं लेज़ी हो जाती हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अब है कि हाँ टाइम है, अब मुझे श्रृंगार करना है, क्योंकि मेरे अलावा अब कोई नहीं करेगा ये, बाद में भी कुछ समय तक नहीं कर पाऊँगी। सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज श्रृंगार करने बैठी हूँ मैं सारे भगवान जी का। चलिए आइए देखते हैं कि श्रृंगार कैसे क्या करना है और गर्मियों में कैसे मैं सेवा करती हूँ लड्डू गोपाल की। प्लस आज मैं इनको हल्के रंग के कपड़े पहना रही हूँ, अभी तक तो इन्होंने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए थे, अब हल्के रंग के कपड़े जो है मैं इनको ऐसे वाइट वगैरह में कुछ पहना रही हूँ, ताकि गर्मी के मौसम में जैसे हल्के हल्के कपड़े हमें हल्के हल्के कपड़े अच्छे लगते हैं, उसी तरीके से भगवान जी को भी हल्के रंग में, हल्के इसके कपड़े में तैयार करेंगे आज। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए देखते हैं कि हल्का फुल्का श्रृंगार कैसे करेंगे इनका। यहाँ पर मैंने अपने दोनों जीरो नंबर के लड्डू गोपाल को बिठा लिया है अपने पास, यहाँ पे सब नहा धो के तैयार होके ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। एक मेरे पास एक्चुअली व्हाइट कलर में एक ही पोशाक है, तो एक को मैं व्हाइट पहना रही हूँ, एक को मैं ऐसी रेड पहना रही हूँ। इनको मैं रेड कलर की पोशाक में तैयार करूंगी, इनको व्हाइट कलर की पोशाक पहनाऊंगी। पहले मैं इनको कर लेती हूँ रेडी। ये मैंने इनकी नैपी इनको पहना रखी है, अब जो है पोशाक इनकी पहना देते हैं हम इनको। से इनकी पोशाक पहना देंगे। मेरे को आदत है इनको गोद में लेके या हाथ में लेके रेडी करने की, बट अब ये है कि मैं वहाँ नीचे बैठ नहीं सकती हूँ मंदिर के पास, इसलिए मैं यहाँ पे टेबल पे बैठ के इनका श्रृंगार कर रही हूँ। ये मैंने इनकी जो है पोशाक इनको पहना दी है इस तरीके से। अब जो है इनका इनकी माला छोटी सी वो इन्हें पहना देंगे। कुंडल वगैरह इस वक्त मैं अभी कुछ भी नहीं लगा रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी है, हमें भी बहुत ज़्यादा पहनना ओढ़ना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल इनका श्रृंगार कर रही हूँ। मुकुट लगा देंगे और इसी के साथ मैं इन्हें दे दूंगी बांसुरी।
ये मेरे एक छोटू से लड्डू गोपाल जो हैं ज़ीरो नंबर वाले, ये हो गए हैं रेडी बिल्कुल ही। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले को भी रेडी कर लूँगी अभी। सो साथ ही यहाँ पे मेरे दूसरे जो ज़ीरो नंबर के लड्डू गोपाल हैं ये यहाँ हैं, और इनको भी मैंने नैपी पहना रखी है, इनके वस्त्र धारण करा देंगे इनको। इनके वस्त्र इन्हें पहना दिए मैंने, इनका ये हार है मोतियों का, ये इनको मैं पहना दूंगी, और मुकुट उसी तरह का। सो बहुत ही हल्का फुल्का मैं इनका श्रृंगार कर रही हूँ ताकि गर्मियों में कोई बेचैनी ना हो, कुछ ना हो। तो हल्का फुल्का श्रृंगार, हल्के फुल्के कपड़े और हल्के फुल्के गहने, ये इनको हमने बांसुरी दे दी इनके हाथ में। ये हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। छोटे छोटे से विग्रह होते हैं तो उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये दोनों जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इन्हीं के साथ आगे आगे जो है अब हम और सारे भगवान जियों का भी श्रृंगार करेंगे। विग्रह इस बार मैंने कान्हा जी को केश वगैरह नहीं लगाए हैं कुछ भी, गर्मी में अटकते हैं, ये होता है, हमें गर्मी लगती है बालों में, उनको भी लगेगी, इसलिए केश वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाए हैं, बिल्कुल सिंपल श्रृंगार किया है कम चीज़ों के साथ। सो अब मैं आपके साथ फ्रेंड्स बात करूंगी कि मैं इनको जब सुबह नहलाती हूँ तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ। लोग बहुत तरह की चीज़ें करते होंगे, जैसे जैसे जिसके जिसके भाव होते हैं, जैसे जैसे जिसका मन होता है उसके अकॉर्डिंगली वो गर्मियों में सेवा करते हैं। तो जिस तरीके से सर्दियों के दिनों में मैं इनके लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी रखती हूँ नहलाने के लिए, कि जैसे हमें ठंड लगती हम गर्म पानी से नहाते हैं, उसी तरीके से सर्दियों में मैं इनको ठंडे पानी से नहलाती हूँ। गुलाब जल उसमें मैं ज़रूर मिलाती हूँ थोड़ी सी महक के लिए, गुलाब जल और पानी, गंगा जल, ये तीन चीज़ें मिला के मैं इनका स्नान करवाती हूँ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, मेरी आस पड़ोस में भी हैं देखा है मैंने, वो लोग एलोवेरा लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। मेरे मतलब एक ये है कि जितनी मेरी बस की है, जितना मैं हमेशा कर पाऊँ मैं उतना करती हूँ। सो गुलाब जल, गंगा जल और सादा जो नहलाने का पानी है, ठंडा पानी, उसे मैं नहलाती हूँ अच्छे से पोंछ करके, उसके बाद इनके वस्त्र वगैरह पहना के श्रृंगार करके मैं मंदिर में बिठा के पूजा करती हूँ। पूजा करके साथ ही इनका जो भी भोग लगाना होता है, करना होता है, वो होता है। और थोड़ा सा कुछ कोशिश करती हूँ कि मंदिर में कोई जैसे पानी का बर्तन भर के उसमें फूल वगैरह सजाए जाएँ। जैसे आजकल तो लॉकडाउन है, सब कुछ है, फूल वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहे हैं, तो पानी का बर्तन तो मैंने अभी तक नहीं रखा है, लेकिन हाँ ठंडे पानी से नहलाना ज़रूर शुरू कर दिया है। तो फूल में बर्तन कुछ ऐसे पानी का भर के, पीतल का या कुछ, उसमें फूल वगैरह सजाती हूँ, कुछ करती हूँ, ताकि ये है कि पानी की ठंडक से, वो तासीर जो है पानी की ठंडी होती है, तो पानी की ठंडक से वो एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है। सेकेंड ये चीज़ है कि मेरा जो रूम है जहाँ पर मैंने मंदिर का पूरा सेटअप किया हुआ है, सो वो पीछे वाला कमरा है जहाँ पर धूप वगैरह कुछ नहीं आती है, सो वो कमरा वैसे भी ठंडा रहता है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जिस कमरे में भगवान बैठे हो, जिस घर कमरे में भगवान विराजमान हो, वो कमरा या वो जो प्लेस होती है वो ठंडी रहती है, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स बहुत होते हैं, तो वो ठंडी रहती है। सो ये कमरा जो है ये मेरा पूरी तरह से ठंडा रहता है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो सीधी धूप नहीं आती है, दूसरा पीछे का कमरा है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है वहाँ पर। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा गर्मियों का श्रृंगार, गर्मियों से रिलेटेड जो मैं सेवा करती हूँ भगवान जी की। क्योंकि जितना करती हूँ उतना ही बताऊँगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, नहीं, मैं इतना जितना मैं कर पाती हूँ उतना ही मैं करती हूँ। जितनी मेरी भगवान मेरे से सेवा करवाना चाहते हैं मैं उतनी ही सेवा उनकी करती हूँ। सो ये था हमारे ज़ीरो नंबर के लड्डू गोपाल का श्रृंगार। आने वाले वीडियो में मैं 5 नंबर के लड्डू गोपाल, राधा प्यारी जी का श्रृंगार, माता रानी का, सबका मैं साथ साथ अपलोड करती जाऊँगी। तो अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।